फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले अज्ञात गैंग पर FIR। मुरादाबाद डिप्टी CMO ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने वाले अज्ञात गैंग के खिलाफ सदर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है। डिप्टी CMO का कहना है कि उनके सामने सत्यापन के लिए कुछ ऐसे प्रमाण पत्र पहुंचे हैं जिन पर रजिस्ट्रार अर्थात उनके खुद के साइन तक नहीं है। ऐसे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के जारी होने से पूरी प्रक्रिया ही सवालों के घेरे में आ गई है। दरअसल पूरा ये मामला उस समय सामने आया जब पासपोर्ट ऑफिस से सत्यापन करने के लिए प्रमाण पत्र पहुंचे थे। स्वास्थ्य विभाग के होश उस समय उड़ गए जब उनके सामने एक नहीं बल्कि 4 फर्जी पत्र सत्यापन के लिए पहुंचे, जिसके बाद विभाग हरकत में आ गया और तुरंत डिप्टी CMO डॉक्टर SK बेलवाल ने सदर कोतवाली में अज्ञात गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। इस बाबत जानकारी देते हुए CO सदर महेश चंद्र गौतम ने बताया कि स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। पासपोर्ट से वेरिफिकेशन के लिए आते हैं या किसी भी पासपोर्ट से वेरिफिकेशन के लिए आते हैं, तो जब हमने वेरिफिकेशन के लिए हमारे समक्ष वो सर्टिफिकेट मेरे सामने आया तो उसमें ये देखा गया कि उसमें जो मेरे साइन नहीं थे, जो रजिस्ट्रार्ड के साइन होते वो नहीं उसमें उपलब्ध थे। फिर इससे पहले एक प्रकरण और रामपुर में भी आया था, पत्राचार देखा तो उसको फिर दो सत्यापन के लिए दो हमें एक शिकायत के रूप में हमें प्राप्त हुए थे, जो बदायूं से जिन पर एड्रेस लिखा हुआ था उस पर, तो उनको भी देखा गया तो उस पर भी जो ऑथेंटिक रजिस्ट्रार के जो सिग्नेचर थी वो उसको उपलब्ध नहीं थी। तो इससे ये पता लगा कि उसमें दैट्स मीन कि कहीं ना कहीं कोई एक ग्रुप जो है इसको गलत रजिस्ट्रेशन और बर्थ का कार्य कर रहा है। इसी को संज्ञान में लेते हुए इसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने एक कोतवाली में तहरीर देके FIR की प्रक्रिया करवाई है। इससे पुलिस उसमें अपना नियमानुसार कार्रवाई करेगी और एविडेंस के रूप में वो सर्टिफिकेट भी हमने पुलिस को उपलब्ध करा दिए, तो वो उस पर जाँच करेगी। जाँच करने के बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें नगर निगम का तो कोई फॉल्ट है ही नहीं, क्योंकि नगर निगम की जो ID है वो बड़ी सिक्योर्ड है और वो हमारा जो एक कर्मचारी उसी के पास रहती है, और जब साइन ही नहीं है हमारे तो इसमें नगर निगम का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टोटल कितने सर्टिफिकेट आपके संज्ञान? 4 सर्टिफिकेट है। क्या लगता है कोई मे बी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर कोई ना कोई तो काम इसको कर रहा गलत तरीके से कर रहा है तो समथिंग इज रॉन्ग, और कोई ना कोई इसमें पार्ट प्ले कर ही रहा हो सकता है कि गैंग के रूप में कर रहा हो सकता है कि इंडिविजुअल रूप से कर रहा हो, लेकिन ये तो पुलिस की इंक्वायरी के बाद ही पता संभव हो पाएगा कि क्या पूरी गैंग है क्या कोई इंडिविजुअल व्यक्ति कर रहा है, तो वो जो भी स्पष्ट उसी से हो पाएगा। सर, फर्जी जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर इन लोगों के द्वारा पासपोर्ट लिया जा रहा था, उस संबंध में उस कार्यालय से अभिलेख प्राप्त हुए थे, जिसके आधार पर स्वास्थ्य अधिकारी के स्तर से अभियोग की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रेषित की गई थी। अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचनाधीन है, साक्ष्य के आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।